पूरी सरकार पूरा सिस्टम, पूरी सरकार पूरा सिस्टम किसी के पीछे पड़ जाए लेकिन उसके बावजूद उसको मुंह की खानी पड़े तो फिर क्या कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज यही हुआ है। गुजरात की भाजपा की सरकार तीस्ता सितलवाड़ के किस तरह से पीछे पड़ी हुई थी और किस तरह से लगातार उसकी जमानत का विरोध कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दो दिनों तक सुनवाई चली, लगातार दो दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने आज आखिरकार तीस्ता सितलवाड़ को जमानत दे दी है। और न केवल जमानत दी है बल्कि आज की सुनवाई के अंदर और कल जो सुनवाई हुई थी उन दोनों सुनवाई में जज के बीच में और सॉलिसिटर जनरल जो सरकार की तरफ से जो वकील शामिल हुए थे उन दोनों के बीच में वार्तालाप क्या हुआ, सरकार की तरफ से क्या कहा गया था, वह सुनना जरूरी है। बहरहाल खबर आप देखिए, मैं भास्कर की खबर आपको दिखा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सितलवाड़ को जमानत दी, हाई कोर्ट में केस चलने तक पासपोर्ट सरेंडर होगा, कल होगी रिहाई। तो कुछ कागजी कार्रवाई है और उसके बाद में कल रिहाई हो जाएगी आखिरकार तीस्ता सितलवाड़ की। और तीस्ता सितलवाड़ को 25 जून को गिरफ्तार किया गया, यानी करीब जो है 2 महीने तक उनको जेल के अंदर रहना पड़ा। अब देखिए क्या कुछ कहा गया वो आप देखिए। गुजरात दंगों से साजिश से जुड़े हुए जो है मामले में एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ को गिरफ्तार किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार को चीफ जस्टिस यू ललित की बेंच में 1 घंटे 10 मिनट से ज्यादा तक सुनवाई चली। अब देखिए यहीं से समझना जरूरी खबर को आपको, 1 घंटे 10 मिनट तक यानी 1.25 घंटे तक करीब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई चली है। और क्या कहा गया इसमें देखिए, जज साहब की तरफ से चीफ जस्टिस ने कहा कि तीस्ता की गिरफ्तारी के बाद से या तो उसे रिमांड में रखा गया है और या वो कस्टडी में रही है, अब उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता। ये जो बड़ी लाइन है वो मोटी लाइन है, पहले मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद में डिटेल में आप सुनिएगा कि कल क्या हुआ था और आज क्या हुआ है। जज साहब कह रहे हैं कि जब से 25 जून से तीस्ता सितलवाड़, और मत बोलिए तीस्ता सितलवाड़ की जो उम्र है 60 साल की उम्र है, 60 साल की एक औरत को यहां पर किस तरह से गुजरात की सरकार जो है वो लगातार रिमांड पर या कस्टडी में रख रही थी। और यही बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा है। कोर्ट ने आगे कहा कि तीस्ता का मामला अब जब तक हाई कोर्ट के पास में है उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, यानी वो देश छोड़ करके नहीं जा सकती हैं। तीस्ता कल यानी शुक्रवार को कानूनी प्रक्रिया के बाद में जेल से रिहा हो जाएंगी। 25 जून को अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने तीस्ता को मुंबई से गिरफ्तार किया था और 30 जुलाई को निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी जमानत जो है वो दे दी। अब क्या कुछ वार्तालाप हुई है, आज क्या वार्तालाप हुई पहले मैं आपको वो बताता हूं, फिर कल क्या हुआ था फिर मैं आपको वो बताऊंगा। सीजीआई यानी चीफ जस्टिस साहब क्या कह रहे हैं, चीफ जस्टिस सुनिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे 2 सवाल हैं। पहला, पूछताछ में क्या मिला, जो आपने अभी तक 2 महीने की पूछताछ की है उसमें मिला क्या, क्या हासिल हुआ आपको और कितने दिनों तक आपने उनसे पूछताछ की है। यह पॉइंटेड सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी तरफ से किया गया। अब इस पर सरकार की तरफ से जो वकील थे सॉलिसिटर जनरल मेहता, उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए आप। हमने अब तक 7 दिन की पूछताछ की है लेकिन महिला चालाक है और पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। बताइए आप 2 महीने की यहां पर 25 जून से लेकर के आज तक जो है वो करीब 2 महीने की उनकी कस्टडी रही, वो रिमांड में भी रही और आप कह रहे 7 दिनों केवल पूछताछ है और दूसरा आप कह रहे महिला जो है वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही, चालाक है। फिर उसके बाद में आगे सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि याचिकाकर्ता 2002 से गुजरात राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश में शामिल है, जजों पर टिप्पणी करने से भी नहीं चूकती है। तो ये तर्क दिए जा रहे हैं, तर्क ये नहीं है कि क्या कुछ आखिरकार कॉन्क्रीट मिला उनके पास से, क्या वो सबूत थे, क्या वो चीज थी जिसके बिना पर उनको जेल में रखा जाए। केवल बातें जो है बताई जा रही है कि बदनाम करने की साजिश है, महिला ये जो तीसरा सितलवाड़ है वो जजों के ऊपर टिप्पणी करती है, जो ठोस बात कॉन्क्रीट चीज कि इनकी ये मिला, ये इनपुट था, यहां से इनके तार जुड़े हुए थे, यहां पर ये हुआ था, वो चीजें नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं जमानत मिलनी पड़ रही है। अब देखिए सिब्बल, कपिल सिब्बल जो कि तीसरा सितलवाड़ की तरफ से वकील थे, उन्होंने क्या कहा, हमें स्टेट के खिलाफ बताया जा रहा है, यानी तीसरा सितलवाड़ को स्टेट यानी सरकार के खिलाफ बताया जा रहा है। क्या 60 साल की कोई महिला स्टेट से ज्यादा पावरफुल हो सकती है, ये स्टेट जो है वो अदालत के अंदर सरकार को स्टेट कहा जाता है।
अब ये कपिल सिब्बल साहब ने पूछा है कि पूरे गुजरात की जो सरकार है, डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, क्या उस पूरे सरकार से एक 60 साल की महिला ज्यादा ताकतवर है, उससे खतरा बताया जा रहा है। तो ये जो चीजें निकल करके सामने आई है, और अब जो है मैं आपको दिखाता हूं कि कल जो है, कल क्या कहा था, देखिए आप कल को जो हुआ था जो सुनवाई, उसमें क्या कहा गया था। कल की सुनवाई के पहले आप देखिए, तीस्ता सितलवार केस में सीजीआई की सख्त टिप्पणी, बोले न यूएपीए न पोटा, फिर भी एक महिला 2 महीने से कस्टडी में है। ये तीस्ता सितलवार के ऊपर ना यूएपीए लगा पाए ना पोटा का केस बना पाए, लेकिन अभी तक उसको कस्टडी के अंदर रखा हुआ था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गर्म थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या हुआ था वो आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा वो जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप देखिए, कपिल सिब्बल जो कि तीस्ता सितलवार के वकील हैं, तीस्ता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को टिप्पणी की थी, और 25 जून को उसे गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था बिना जांच और सबूत के। अभी थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल है मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको खबर समझ में आए। दरअसल एक केस था गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ, 2002 से जुड़ा हुआ, और उस केस में क्या है कि उस केस में यह है कि जाकिया जाफरी जो कि पत्नी है एहसान जाफरी के, और एहसान जाफरी की मौत हुई थी 2002 के दंगों के दौरान, और एहसान जाफरी कांग्रेस के पूर्व जो है वो सांसद हैं, उनकी मौत हुई थी, और जाकिया जाफरी की एक याचिका थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और 24 जून को जो है वो जाकिया जाफरी की उस याचिका को जो है वो रद्द करते हुए 24 जून को मोदी को क्लीन चिट मिल गई थी, और उसी के आधार पर तीस्ता सितलवाड को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला जो है टेक्निकल मामला मैंने आपको समझा दिया। यही कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि 24 जून को जो है वो टिप्पणी की थी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ही मोदी को जो है वो क्लीन चिट दी थी, और उसके बाद 25 तारीख को जो है इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। अब देखिए इसमें सीजीआई यूयू ललित क्या कहते हैं, 2 महीने में आपने चार्जशीट दाखिल कर दी है क्या, क्या आप सभी आप अभी भी जांच कर ही रहे हो, आपको अभी तक जांच में क्या क्या मिला। कल भी जो है सवाल पूछा गया था कि आप ये बताइए 2 महीने हो गए हैं तो 2 महीने में क्या आपने चार्जशीट दाखिल की। योगी ये जो गुजरात की पुलिस है, भाजपा सरकार की डबल इंजन की सरकार की पुलिस है, उसको पूछा गया था। अब देखिए सोलिसिटर जनरल इस पर क्या कह रहे हैं, राज्य सरकार नियमानुसार कार्रवाई कर रही है, जांच और उसके बारे में हाईकोर्ट में बताएंगे, आप इस मामले में हाईकोर्ट को ही सुनने दीजिए। अब जो है पूरी गुजरात की सरकार, जो सरकारी वकील हैं, वो चाहते थे कि ये केस गुजरात में ही चलता रहे, सुप्रीम कोर्ट इस पर ना सुने, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें दखलंदाजी ना करे, मसलन ये था। अब देखिए इसमें आगे जो है वो चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि हाई कोर्ट में 3 अगस्त को जमानत याचिका दाखिल की गई, सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर है, 6 हफ्ते बाद किसी की जमानत पर सुनवाई होगी। अब ये टेक्निकल सवाल है, देखिए समझिए इस बात को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट में 3 अगस्त को याचिका दाखिल की गई थी, उसकी सुनवाई की तारीख ही 19 तारीख है, 19 दिसंबर, यानी आप ये चाहते हैं कि किसी महिला की जमानत होगी या नहीं होगी उसको भी आप सुनने के लिए 6 हफ्ते और अभी आप इंतजार चाहते हैं, ये बात जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। अब देखिए इस पे गुजरात हाईकोर्ट की यही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है क्या, मान लीजिए कि हम तीस्ता को अंतरिम राहत दे देते हैं, मामले की सुनवाई होने देते हैं, तो यह सवाल यहां पर पूछा गया। फिर उसके बाद में जो है वो सोलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं इसका विरोध करूंगा, गुजरात दंगों के बाद से तीस्ता साजिश में शामिल थी, ये आईपीसी की धारा 302 ए भी ज्यादा गंभीर है, ये लगातार साजिश में शामिल थी। ये बात गुजरात सरकार की तरफ से, भाजपा की सरकार की तरफ से, सरकारी वकील जो सोलिसिटर जनरल हैं उनकी तरफ से कही जाती रही, लेकिन उसके पीछे तथ्य नहीं दे पाए कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो जाए, और इसीलिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया। अब जरा ये पूरा केस जो है मैंने आपको समझाया है, अब जरा सोच करके देखे, तीस्ता सितलवाड बहुत बड़ा नाम है, तीस्ता सितलवाड की जब गिरफ्तारी हुई थी, जब उसके बाद में सोशल मीडिया पर हर जगह पर जो है वो सोशल एक्टिविस्ट हों चाहे विपक्ष के नेता हो, सबने आवाज उठाई। जरा सोच करके देखिए, देश की जेलों के अंदर ना जाने कितने लोग बंद हैं, उनके लिए कहां पर क्या कार्रवाई होती होगी, जब तीस्ता सितलवाड़ जैसी एक 60 साल की महिला और जिनके ताल्लुकात हैं उनकी भी जो है वो 2 महीने बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये सुनवाई हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कहा है। जरा सोचिए न्याय जो है वो किस तरह से मिल रहा है, इसके ऊपर भी गहन चिंतन मनन की आवश्यकता है।
तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, अच्छी बात है, क्योंकि सरकार जो है वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाई और उल्टा फटकार लगी सरकार को। बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को खूब शेयर कीजिए, आगे तक पहुंचिए, ताकि लोगों को आसान भाषा में समझ में आए कि आखिरकार क्या मसला था, किस तरह से था, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे क्या वजह थी। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।